very good afternoon. I, Anila Pillai, live from Optimus Studio at Rotary International Presidential Conference, Hyderabad. We have in our midst today poetess Priya Malik, and her recitation and her work has, at least we have witnessed today, kept 3,000 audience really wrapped up. They have not blinked their eyelid also. And over to Priya. How do you convey these इतने सुंदर माध्यम से, कविता के माध्यम से आप सोशल मैसेज कितने प्यार से दे देती हैं, तो इसका कोई एक एग्जांपल हमें बता दो तो हमारी ये इंटरव्यू सफल हो जाए. जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर टुडे. आई थिंक कविता अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जो यंग लोग बहुत दूर हो गए थे आज से कुछ साल पहले तक देखा जाए तो, राइट? क्योंकि हर कोई गालिब नहीं समझता, हर कोई शेरो शायरी नहीं समझता, हर कोई प्रेमचंद निराला की कहानियाँ नहीं समझता. तो आई थिंक ये जो हम लेकर आए हैं, ये पोइट्री का एक नया फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं स्पोकन वर्ड पोइट्री. तो इसमें कविता का जो एस्पेक्ट है वो है, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्मेंस का एस्पेक्ट भी हमने जोड़ दिया है. तो हमने राइटिंग के साथ साथ, लिखने के साथ साथ हमने थिएटर का भी एक परफॉर्मेंस का एस्पेक्ट जोड़ दिया है. और यू नो, यूट्यूब आ गया है और हम लोगों उसके माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंच पाए हैं. तो कविता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक संक्षिप्त तरीके से आप बहुत कुछ कह जाते हैं. और यही रीज़न है कि मैं कविताएं ज़्यादा सुनाती हूँ और लिखती हूँ, कहानियाँ कम. कहानियों में आपको सब कुछ बोलना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है. कविताओं में आप कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस पोइट्री के लिए कि आप वो चीज़ें लिखें जिनके बारे में आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं. और ऐसे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट बीइंग वन ऑफ देम. तो जहाँ बात आती है नारी सशक्तिकरण की, वहाँ मुझे पता है कि जो मेरे इमोशंस होंगे कविता में वो जेन्युइन होंगे और देखने वाला ऑडियंस परख लेता है. ऑडियंस सबसे बड़ा जज होता है, मैं कहती हूँ. तो कहीं ना कहीं कोशिश की है एक बहुत छोटी सी इस कविता के माध्यम को वापस लेकर आने की, यूथ तक जोड़ने की, और इस वॉइस को, इस आवाज़ को यूटिलाइज़ करने की सामाजिक मुद्दों के बारे में. तो याद, मैं दो ही चीज़ों पे लिखती हूँ, या सामाजिक मुद्दे या प्यार और इश्क. बीच में और कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ. और आप अपने क्रिएशन के पहले ज़रूर दिल की अदालत में जाती होंगी, जो इतना अच्छा क्रिएटिविटी आती है आप में. दिल से जो कहते हैं. और ये डिजिटलाइज यूथ है जो एक तरह से YouTube पे तो पॉपुलर हो जाती है हमारी सारी प्रेजेंटेशन स्किल, बट इनका डिस्ट्रैक्शन, और जब ये जी जनरेशन जी वो स्लैंग के इतने आदि हो गए हैं ना, तो उनसे उनको हम कैसे निकाल ले बाहर? अब देखिए, मैं ना कहीं मिडिल में फ़िट होती हूँ, राइट? ना मैं मतलब जेन जी में हूँ, ना मैं जेन एक्स में हूँ, कहीं बीच में ही एक उम्र का पड़ाव बिल्कुल बीच का है. और आई थिंक ये बहुत अच्छा पड़ाव है, क्योंकि मैं ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ. मुझे पता है कि मुझे कविता में ऐसा क्या डालना है जिससे यंग बच्चे सुने. इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, मेरा जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है सुनने वालों में 60% वुमेन है, और उनमें 18 से लेके 35 साल की सबसे ज़्यादा ऑडियंस है. Wow. और मुझे पता है कि ये ऑडियंस कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सारे साल मैंने अब जी लिए हैं. सो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस. एंड अब मैं ऐसी चीज़ें भी लिखने लगी हूँ जो मेरे से पहले की जनरेशन को भी बहुत पसंद आती है. इनफैक्ट एक कविता थी जिसका नाम था मैं 1999 ढूंढ रही हूँ, और एक बहुत खूबसूरत सी कविता है अबाउट 90s. आप मानेंगे दो लाइन उसकी प्लीज. ज़रूर. 1999 में पैदा हुए बच्चों ने भी आके मुझे कहा है कि उन्हें कविता बहुत पसंद है. मैंने कहा, अरे तुम तो बॉर्न भी नहीं हुए थे उस टाइम तक. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ. आईफोन एक्स के ज़माने में नोकिया 3810 ढूंढ रही हूँ. जुकीनी नूडल्स के ज़माने में मैं वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ. सोय मिल्क कॉफ़ी के ज़माने में मैं अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ. वाईफाई ब्रॉडबैंड के ज़माने में सिर्फ एक डायल अप कनेक्शन ढूंढ रही हूँ.
इंस्टाग्राम स्टोरीज के ज़माने में मैं कहानियाँ सुनने और सुनाने वाला ढूंढ रही हूँ, मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। बहुत खूब, ये जो जनरेशन है अपना टाइम आएगा, इसको तो आप इतने अच्छे से समझ गई हैं। और ये कहा जाता है ना कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है या किसी के दिल तक उतरना है और किसी को ना, तो उनकी नब्ज पहचानना ज़रूरी है, और आपने वो इतनी अच्छी तरीके से उनकी नब्ज जान ली है। सारे, मैं तो कहूँगी सारे सभी लोगों के लिए, और क्रिएटिविटी की कोई एज नहीं होती कविता की और मन की, तो सबको इतनी पसंद है इतनी, और आप ऐसे ही ऊंचाइयों पर जाते रहे। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगी धन्यवाद ऑप्टिमस स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।